नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हेल्थ स्टाइल एंड आर्ट में। दोस्तों आज हम बना रहे हैं बेसन का चीला या एगलेस ऑमलेट भी इसे कह सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसन लेंगे। तो मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, इसे अच्छे से छान करके लेना है ताकि इसमें किसी भी प्रकार के लम्ब्स ना रहें। उसके बाद 1/4 चम्मच हमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है और वो भी एकदम दरदरा पिसा हुआ। आप हरा धनिया डाल सकते हैं बट मेरे पास हरा धनिया अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ये लिया है। उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन और 1/4 चम्मच नमक और इसे मिक्स कर देना है। ड्राई इंग्रेडिएंट को काफ़ी अच्छे से मिक्स कर दें ताकि वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो। अब हमें इसमें पानी ऐड करते हुए इसका काफ़ी अच्छा सा घोल बना लेना है। घोल बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि मिक्सचर जो है ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतला हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसे बेसन को अच्छे से मिक्स करें ताकि इसमें लम्ब्स नहीं रहें। उसके बाद इसको लिक्विड करना है तो पानी ऐड करें और इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब पोरिंग कंसिस्टेंसी, कि आप ऐसे चम्मच से गिरा रहे हो तो वो एक लाइन में गिर रहा है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने करीब 2 टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, 2 प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए। ध्यान रहे आपको बारीक काटना है। इसके बाद मैंने 1 चम्मच या फिर 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई लेनी है। बारीक इसलिए काट रहे हैं ताकि हम जब इससे चीला बनाएं तो इसकी वजह से हमारा चीला टूटे नहीं। अगर आपने मोटा काट दिया तो चीला टूट जाएगा, इसलिए हमने इसे बारीक कट किया है। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं बट मुझे इतना स्पाइसी नहीं चाहिए इसलिए नहीं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 1/4 छोटा चम्मच मीठा सोडा ऐड कर रहे हैं हम, और जब मिक्सचर रेडी हो जाए तो हम पैन गरम करेंगे और पैन में हम थोड़ा सा ऑयल लेके इसे स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो टिश्यू से इसे स्प्रेड कर सकते हैं या फिर, और जब तेल अच्छे से गरम हो जाए, पैन अच्छे से गरम हो जाए, तब हमें इसमें बैटर ऐड करना है। तो जो मिक्सचर हमने बना करके रखा है उसे आपको चम्मच से इसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से 1 या 2 चम्मच आप ऐड करें और इसे आपको चम्मच से फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा ऐसे टैप कर दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब हमें इसे मीडियम लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो ये चीला जो है नीचे से जल जाएगा और ऊपर से सिकेगा नहीं। और इस तरीके से इसके किनारे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है गीला घोल हमें नहीं दिख रहा है, मतलब एक तरीके से सूख गया है घोल, इसका मतलब ये पकना शुरू हो गया है। तो आपको इसके किनारे से बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से हटाना है। अगर आपने इसे एक बार में ही पलटने की कोशिश की तो ये टूट जाएगा, तो थोड़ी सावधानी आपको रखनी है कि आपको इस तरीके से किनारों से हटाते हुए पहले इसको पूरे को हटाना है एक बार इस तरीके से। बिल्कुल ऐसे और जब ये चारों तरफ से हट जाए उसके बाद हमें इसे पलट देना है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ गया है और इसी तरीके से हमें इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेना है और दूसरी साइड से भी सेम थिंग आपको बिल्कुल ऐसे आराम से इसे हटाना है। अगर आपने एक साइड से ही पकड़ के इसे खींचने की कोशिश की तो ये टूट जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो चीला है वो बनकर के तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तरीके से हमें बाकी की चीला भी रेडी करने हैं। बिल्कुल चम्मच से बैटर को आपको इस तरीके से डाल देना है, फैलाना बिल्कुल आपको ज़्यादा नहीं है, डोसा की तरह नहीं है कि पतला करने बैठ गए इसको। और उसके बाद जब किनारों से ये सूखा सूखा लगे तब इसे पलट देना है। तो इस तरीके से ही हमें सारे चीले बना करके तैयार करने हैं। आई होप आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा और आपको काफ़ी ईजी लगा होगा इससे चीला बनाना, और इसे आप किसी भी चटनी, दही या सॉस के साथ बिल्कुल ईजीली सर्व कर सकते हैं। और ख़ास करके ब्रेकफास्ट के लिए हमें ऐसी रेसिपी चाहिए होती हैं जो क्विक हो, बिल्कुल आसान हो, झटपट बनने वाली हो। तो ये आप ब्रेकफास्ट में तैयार कर सकते हैं या फिर इवनिंग में आप इसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।